थैंक यू भैया। आ गई हूँ मैं अपनी मार्केट में, यहाँ की हमारी मार्केट है। हेलो एवरीवन, हर हर गंगे। आप लोगों को पता ही है कि मैं दिल्ली में आई हुई हूँ और कुछ काम है मुझे, और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे कुछ सामान लेना है, तो मैंने कहा ले ही आती हूँ। वैसे तो मैं ऋषिकेश से ले लेती, लेकिन आई हुई हूँ तो मैंने कहा चल यहाँ की मार्केट जाते हैं, कई दिन हो गए गए हुए, और ले आते हैं और आपको मैं मार्केट भी दिखाती हूँ और मार्केट में मिलती हूँ। मैं नीचे उतरी हूँ और ये डॉग बैठा हुआ था मेरे गेट के पास, और मैंने इसको कुछ खाने को दिया है, और इसको पता चल गया है कि मैं ऋषिकेश से आ गई हूँ, और मैं नहीं भी होती तो भी ये मेरे गेट के पास बैठा रहता है, बहुत प्यार करता है। आ गई हूँ मैं अपनी मार्केट में, यहाँ की ये हमारी मार्केट है। अब मुझे लेना है एक प्लाज़ो, और मैं इस प्लाज़ो वाली शॉप पे आई हूँ, और भैया से मैं देख रही हूँ जिस कलर का मुझे लेना है, और देखती हूँ मिलता है कि नहीं मिलता, तो देखते। प्लाज़ो तो मुझे मिल गया है, और अभी मुझे और भी सामान लेने हैं, तो मैं अभी जा रही हूँ लेने। अभी पहले मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और मैं अभी आई हूँ एक जूस की दुकान पर, तो भैया को बोला है कि मेरे लिए अनार का जूस बनाओ, तो भैया ने मेरे को अनार का जूस बना के दिया है, और मैं इसको पी रही हूँ, और बहुत गर्मी लग रही है मुझे, जूस मैंने पी लिया है। अब मैं आई हूँ कॉस्मेटिक की शॉप पर, और मुझे लेनी थी कलरफुल बिंदी, जो कि मुझे मिल गई है, और बिंदी मैंने वहाँ से ले ली है। मैं पार्लर पहुँच गई हूँ, पार्लर का नाम है ग्लैम एवेन्यू स्टूडियो, और मैं अपना यहाँ पर हेयर कट कराने आई हूँ और थ्रेडिंग कराने आई हूँ। ये दीदी हैं जो मेरी आईब्रो करेंगी, और दीदी इतने प्यार से आईब्रो कर रही हैं, और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा, आईब्रो मेरी हो गई है। अब ये दूसरी दीदी आई है कटिंग करने के लिए। मैं ये कट करा के घर आ गई हूँ, और घर आते ही मैंने कपड़े चेंज किए हैं, क्योंकि उस पर बहुत बाल लग गए थे, बहुत बाल गिर गए थे छोटे छोटे। तो बताओ कैसा लग रहा मेरा कट, बहुत रफ़ हो गए थे मेरे बाल, तो मेरे को लगा गर्मी भी आ गई है और थोड़े बड़े हो गए थे, तो वो संभाले नहीं जा रहे थे। घर आते आते रात हो गई थी, और अब मैं लगा रही हूँ दाल को तड़का, जो कि दाल मैं उबाल कर गई थी, और मैं अब तड़का लगा रही हूँ, अब रात का खाना तैयार कर रही हूँ, और भूख भी लग गई है। और बस आज का यही मेरा छोटा सा व्लॉग था, कुछ ज़्यादा नहीं था। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो अब करते हैं डिनर, और फिर तैयारी करते हैं सोने की, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हर हर गंगे।